आज भारत में कोरोना महामारी फैली हुई है, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे कोल्हापुर शहर के अंदर इस बीमारी के चलते जो आदरणीय शरद जी पवार साहब का आदेश आया और हमारे जयंत पाटिल साहब का प्रदेश अध्यक्ष के और महाराष्ट्र प्रदेश अल्पसंख्यक विभाग के मोहम्मद खान पठान साहब, उन्होंने आदेश दिए कि इस कोरोना महामारी के अंदर उनकी कमतरता महसूस होने लगी, तो इसलिए जहाँ जहाँ भी है कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि अपने जहाँ जहाँ कोल्हापुर पूरे महाराष्ट्र में एक ऐसा भव्य रक्षा शिविर का एक प्रोग्राम दिया गया, उस तहत यहाँ पर भी कोल्हापुर शहर के अंदर हमने इस प्रोग्राम अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से मैंने आयोजित किया है और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष वसीम भाई बुराड और कार्याध्यक्ष संतोष भाई पवार और माजी महापौर मनोहर पंत सपाटे साहब और जयंत भाई खड्डी और अल्पसंख्यक विभाग के सोलापुर जिले के अध्यक्ष फारूक भाई मटके और हमारे हबीब मसूद उपाध्यक्ष सोलापुर शहर के और बहुत सारे यहाँ पर कार्यकर्ता थे और कार्यकर्मी भी थे और यहाँ पर एक आयोजन के तक यहाँ पर लिया गया भव्य रक्तदान शिविर का और रक्तदान का भी मैं बहुत आभार मानता हूँ और हमारे पदाधिकारी का भी आभार मानता हूँ और इस तरफ का शुक्र अदा करता हूँ। आज देशाकडे देश कोरोना महामारी मुळे कोरोना महामारीच्या संकटात लढा देत असताना दुसऱ्या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्यात रक्ताचा प्रचंड तुटवडा दिसत आहे। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांना हे समजतं की आपल्या राज्यामध्ये रक्ताचा तुटवडा होत आहे, म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्र राज्यभरातले प्रमुख पदाधिकाऱ्यांना आदरणीय शरद पवार साहेबांनी रक्तदान शिबिर घेण्याचा आदेश दिले व प्रदेशाध्यक्ष आमदार जयंत पाटील साहेब व अल्पसंख्यक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष ॲडव्होकेट मोहम्मद खान पठाण साहेब यांच्या सूचनेनुसार आज कोल्हापूर शहर इथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभागाचे कार्याध्यक्ष कपूरभाई शेख यांनी भव्य रक्तदान शिबिर आयोजित केले होते। जर रक्तदान शिबिराला चांगला प्रतिसाद मिळाला, कोल्हापूर शहराचे कार्याध्यक्ष संतोष भाऊ पवार यांच्या हस्ते स्मरण झालं। यावेळी कोल्हापूर शहराचे माजी महापौर मनोहर पंत सपाटे साहेब, स्टँडिंग कमिटीचे माजी सभापती इब्राहिम कुरेशी, माजी नगरसेवक बशीर भाई शेख, प्रांतिक सदस्य जावेद भाई व अल्पसंख्याचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। मग या ठिकाणी जे रक्तदात्यांनी रक्तदान केलेले आहे त्यांच्या व आयोजकाचा मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद।